नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 4 फरवरी। आज का सवाल हमारी 25 बड़ी खबरों में से होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सभी एसपी को सुधारने की दी नसीहत। सूबे में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों एक्टिव मोड में हैं, जिसके तहत डीजीपी आए दिन पुलिस चौकियों के निरीक्षण पर निकल जाते हैं, जहां पर लापरवाह पुलिस कर्मियों को फटकार भी जमकर लगाते हैं। पुलिस चौकियों के निरीक्षण के बाद ही उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों से और खासकर की एसपी को सख्त निर्देश देते हुए यह साफ कहा है कि अब से सभी जिलों के एसपी खुद से कम 5 मामलों का निरीक्षण करेंगे। डीजीपी के इस आदेश के बाद कुछ जिलों में फौरन ही यह व्यवस्थाएं बहाल हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रचार में बिहारियों को अपनी ताकत दिखाने की कही बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 2 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे जदयू पार्टी हाल ही में दिल्ली के बुरारी और संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और लोजपा के चिराग पासवान भी मौजूद दिखे। बुरारी और संगम विहार में प्रचार प्रसार करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां रह रहे सभी बिहार के लोगों से दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय अपनी ताकत दिखाने की भी मांग की। 17 फरवरी को सड़कों पर उतरने के फैसले को बदला नियोजित शिक्षकों ने। सभी नियोजित शिक्षकों ने 17 फरवरी को सड़कों पर उतरने के फैसले को बदल दिया है, जिससे अब बिहार सरकार को थोड़ी राहत मिली है। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में विभिन्न टीईटी शिक्षक संघों की बैठक के बाद इस बात पर फैसला सुनाया गया है। आपको बताते, समीक्षा बैठक के आयोजन के बाद यह निश्चय किया गया है कि बिहार के 25,00,000 टीईटी शिक्षक अपने टीईटी संवर्ग के लिए अलग से अपनी बात रखेंगे। शिक्षा मंत्रियों द्वारा बनाए गए समन्वय समिति के साथ वो इस आह्वान का हिस्सा नहीं बनेंगे। राजद ने जदयू के खिलाफ जारी किया एक और पोस्टर। बिहार की राजनीति में पोस्टर का खेल एक अहम भूमिका निभा रहा है, जिसके तहत इस खेल के 2 अहम खिलाड़ी राजद और जदयू आए दिन नए नए पोस्टर के साथ अपना पासा फेंकते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से राजद ने जदयू के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया है, जहां पर पोस्टर के माध्यम से राजद ने जदयू से 7 सवालों के जवाबों की मांग की है। इसके साथ ही राजद द्वारा जारी किए गए इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी के पीछे छिपा हुआ दिखाया गया है। जसप्रीत बुमराह के नाम दर्ज हुआ एक अनोखा रिकॉर्ड। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने छोटे से करियर में क्रिकेट की दुनिया में अपना एक बड़ा नाम बना लिया है। गेंदों में अपनी गति और मिश्रण से बल्लेबाजों को उलझाने वाले गेंदबाज के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। जसप्रीत बुमराह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 7 ओवर मेडन फेंका है। बुमराह ने श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज नुवान कुलशेखरा के 6 मेडन ओवर को पीछे छोड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केजरीवाल को लेकर कही बड़ी बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही दिनों का वक्त है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरी हुई है। वहीं सभी पार्टियों का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हमने बिहार की सत्ता का दारोमदार संभाल कर बिहार को चमका दिया है, मगर दिल्ली में केवल लोगों से वादे ही किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल केवल वादों के ही बादशाह हैं। नगर निगम के सफाई कर्मियों के सामने झुकी सरकार। पटना के सभी दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मी बीते सोमवार को 1 फरवरी से सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का कार्य से हटाने के फैसले को वापस लेने की मांग पर सड़कों पर उतर आए थे, जिसके पश्चात सुबह से राजधानी पटना में सफाई व्यवस्था खराब दिखी। वहीं इन सफाई कर्मियों के रवैये को देखते हुए सरकार ने फिलहाल अपने फैसले पर रोक लगा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी सफाई कर्मी अपने अपने काम पर वापस लौट गए हैं। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे मन्ना बहादुर की। मन्ना बहादुर का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। मन्ना बहादुर एक लेखिका और उपन्यासकार हैं। वह बिहार की सबसे पहली महिला उपन्यासकार बनी थी, जिन्होंने अंग्रेजी में नॉवेल लिखी थी। इतना ही नहीं, मन्ना बहादुर पूरे बिहार से पहली महिला थी जिन्होंने टीवी पर एंकरिंग की थी। हालांकि उनकी आवाज चली जाने की वजह से उन्होंने एंकरिंग का काम छोड़ दिया था, जिसके बाद ही उन्होंने लेखन की प्रक्रिया शुरू की थी। मन्ना बहादुर ने अब तक कई सारे नॉवेल और कई सारी कविताएं भी लिखी हैं। बिहार बोर्ड इंटर के पहले दिन की परीक्षा का सफलतापूर्वक हुआ समापन। बीते दिन सोमवार से बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा का शुभारंभ हो चुका है, जहां पहले दिन यह परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। वहीं खबरों की माने तो बिहार बोर्ड द्वारा किए गए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के बावजूद कुछ जगहों पर छात्रों के पर्चे पकड़े गए हैं। आपको बता दें, सोमवार से शुरू हुई इस परीक्षा की प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई थी, वहीं दूसरी पाली 1:45 से शुरू हुई थी। पटना के बुद्धा स्मृति पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पटना के बुद्धा स्मृति पार्क, जिसे बुद्धा मेमोरियल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, बिहार की राजधानी पटना में पटना जंक्शन के पास फ्रेजर रोड पर स्थित एक शहरी पार्क है। इस पार्क को बिहार सरकार द्वारा बुद्धा की 2554वीं जयंती मनाने के लिए विकसित किया गया था, जिसका उद्घाटन 14वें दलाई लामा द्वारा किया गया था। यहां घूमने आए लोगों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे कि पार्क में शाम को एक लेजर शो होता है। यह शो स्वतंत्रता के बाद के रामायण के समय से बिहार के इतिहास से संबंधित है। इतना ही नहीं, आपको बता दें इस पार्क में मेडिटेशन सेंटर, स्मृति बाग, बोधि वृक्ष को भी देखने मिलेगा।
अब प्लास्टिक बैग फेंके गए बॉटल को किया जाएगा रिसाइकिल। वातावरण में प्लास्टिक के कारण उत्पन्न हो रहे प्रदूषण के रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत अब राज्य सरकार ने सभी फेंके गए प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करने की नसीहत दी है, जिसके तहत अब फेंके गए प्लास्टिक का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जाएगा, वहीं फेंकी हुई बॉटल का इस्तेमाल शर्ट और टोपी बनाने के लिए भी किया जाएगा, जिससे कि अब पर्यावरण को पहुंच रहे नुकसान से काफी हद तक निजात मिलेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने निकाली रिक्तियां। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में विभिन्न पोस्ट के लिए 347 पदों के लिए आवेदन की मांग की है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को उसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर लेनी होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि इन पदों के लिए आवेदन भरने से पहले सारी जानकारी ध्यान से पढ़ और समझ ले। वहीं इन पदों पर आवेदन भरने के लिए अंतिम तारीख 15 फरवरी है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में सुपौल के नमन बने टॉपर। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में सुपौल के नमन ने अपने जिले के साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, सैनिक प्रवेश परीक्षा में जनरल कैटेगरी से स्टेट टॉपर बने हैं। वहीं परीक्षा में सफल होने के बाद नमन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि उन्हें आगे जाकर IAS की पढ़ाई करनी है। IAS बनकर मेरी इच्छा है कि मैं देश की सेवा करूं। वहीं नमन की इस उपलब्धि से उसके माता पिता समेत पूरा जिला इस समय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। STET परीक्षा को लेकर एक बार फिर शुरू हुआ विवाद। 28 जनवरी को आयोजित STET की परीक्षा के बाद काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया है। जहां एक ओर कुछ केंद्रों पर इस परीक्षा का सफलतापूर्वक समापन हो गया था, वहीं दूसरी ओर कुछ केंद्र ऐसे भी थे जहां छात्रों के व्यवहार को देखते हुए इस परीक्षा को रद्द करना पड़ गया था, जिसके पश्चात बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने रद्द की गई सभी परीक्षाओं को दोबारा से लेने का निर्देश जारी किया है, जिस पर अब एक बार फिर से वाद विवाद का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां पर बिहार बोर्ड से बाहर के परीक्षार्थी सभी केंद्रों पर हुई परीक्षाओं को दोबारा से लेने की मांग कर रहे हैं। बिहपुर के ग्वाहरी डी में मिले चंपा से भी पुराने पुरातत्विक अवशेष। यह वाकया है बिहार के भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड का, जहां पर हाल ही में इतिहासकारों की टीम को नवगछिया अनुमंडल के बिहपुर में कोसी के किनारे 25 फीट लंबे टिल्हे पर चंपा से पुराने प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिसके पश्चात ये सभी इतिहासकारों की टीम इस सभी प्राचीन सामानों का अध्ययन कर रही है। अब तक हुए जांच की माने तो यहां मिले अवशेष 1000 ईसा पूर्व की संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। इस चुनावी साल में बिहार की सभी राजनीतिक दलों की बयानबाजियां बखूबी देखने को मिलेगी। इसी क्रम में बिहार राजनीति के दो अहम विरोधी दल जदयू और राजद एक बार फिर से आमने सामने हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रसार के लिए दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए और गृह मंत्री अमित शाह को उनका महबूब करार दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हाल ही में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने महबूब नेता श्री अमित शाह जी के साथ चुनावी मंच साझा कर रहे थे, जहां वो ना चाहते हुए भी अपनी सच्चाई लोगों को बता रहे थे। CPI नेता ने अपनी यात्रा के दौरान सरकार को लिया आड़े हाथ। CPI नेता कन्हैया कुमार इन दिनों CAA और NRC के मुद्दे पर जनगणमन यात्रा का आह्वान कर रहे हैं, जिसके तहत वो हाल ही में मधुबनी जिला पहुंचे थे, जहां पर आयोजित सभा में उन्होंने सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजी की। इतना ही नहीं, सभा में मौजूद सभी लोगों से यह कहा कि मेरी यह यात्रा नेता की कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं है, बल्कि तिरंगे की शान को बचाने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार CAA और NRC के नाम पर देश के लोकतंत्र की बुनियाद को खत्म करना चाह रही है। टाटा स्काई ने मल्टी टीवी सब्सक्राइबर्स को दिया बड़ा तोहफा। देश की वर्तमान लीडिंग DTH सर्विस प्रोवाइडर टाटा स्काई ने मल्टी टीवी सब्सक्राइबर को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत अब सभी टाटा सब्सक्राइबर को सेकेंडरी कनेक्शन के लिए 64 रुपए से ज्यादा का नेटवर्क कैपेसिटी फी नहीं देना होगा। आपको बता दें, वर्तमान समय में टाटा स्काई भारतीय बाजार में लीडिंग DTH सर्विस प्रोवाइडर है। ओवैसी पर गिरिराज सिंह ने की टिप्पणी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा के गिरिराज सिंह राजनीति के दो बड़े बड़बोले नेता हैं, जो आए दिन अपनी बातों और बयानबाजियों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर गिरिराज सिंह का बयान चर्चा का पात्र बना हुआ है, जहां पर ओवैसी पर टिप्पणी करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही हमने पाकिस्तान बनाया था, अब तो हमें चैन से रहने दो। इसके आगे उन्होंने कहा है कि ओवैसी जैसे नेता AMU और जामिया जैसे प्रशिक्षण संस्थान में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव पहुंचे रांची के रिम्स। इस चुनावी साल में एक्टिव मोड में नजर आ रहे तेज प्रताप यादव बड़े दिनों के बाद अपने पिता से मिलने रांची के रिम्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने मिलने से पहले मीडिया से बातचीत की और कहा कि लालू यादव मेरे पिता के साथ साथ मेरे गुरु भी है, उनसे ही आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में शामिल नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं बिहार के चुनाव को देख रहा हूं, अब बिहार और दिल्ली दोनों एक साथ तो नहीं देख सकता ना। शुगर के लिए स्टीविया की खेती करेंगे अब बिहार के किसान। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने हाल ही में हाईटेक वनस्पति उद्यान के देश विदेश के विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने का काम कर रही है। इसी क्रम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय औषधि से भरपूर स्टीविया के पौधे के विकास के लिए BAU काम कर रहा है, जो कि पूरे शोध के बाद किसानों को मुहैया करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ स्टीविया के पौधे की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। वहीं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का मानना है कि स्टीविया तकनीकी के इस्तेमाल से किसानों की आय में इजाफा होगा।
आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। फिलहाल ठंड से लोगों को धीरे धीरे राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रहा है या नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,025 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,065 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 77.90 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 70.91 रुपए प्रति लीटर था। अब आइए जानते हैं सहजन के फायदों के बारे में। आज हम बात करेंगे सहजन की फलियों के बारे में। सहजन को कुछ लोग मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। सहजन खाने से शरीर की कई सारी समस्याओं से निदान हो जाता है। सहजन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसका पेड़ कहीं भी उगाया जा सकता है, जिसके सेवन से आपके शरीर में खूब सारे विटामिन मिलते हैं। आयुर्वेद की माने तो सहजन की फली के सेवन से शरीर की लगभग 300 समस्याओं से निदान मिल जाता है। इतना ही नहीं, सहजन विटामिन भरपूर होने की वजह से संक्रमण को भी दूर रखता है। बागी 3 का पोस्टर हुआ रिलीज। बागी और बागी 2 के बाद इस फिल्म का तीसरा सीक्वल जल्द ही आने वाला है। खबरों की माने तो इस तीसरे सीक्वल में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर ही है। वहीं इस फिल्म के पोस्टर की बात करें तो हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम से इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया है, जहां पर टाइगर किसी जंगल में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं पोस्टर से साफ नजर आ रहा है कि बागी 2 की तरह इस फिल्म में काफी एक्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दें, बागी 3 की शूटिंग भारत के साथ साथ अलग अलग देशों में भी की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और जदयू एक मंच पर दिखे साथ साथ। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव आने में अभी थोड़ा समय है, मगर गठबंधन को मजबूत करने की पहल हर तरफ से की जा रही है। जहां एक ओर बिहार में भाजपा और जदयू के गठबंधन के बिखरने के कयास लगाए जा रहे थे, वहीं दिल्ली में एक मंच पर एक साथ आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह ने इन सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। इसके साथ ही अब यह भी साफ हो गया है कि आने वाले चुनाव में एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही मैदान में उतरेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है सोनम भारती, विभीषण कुमार साहनी, अमरनाथ कुमार, ज्ञानलोक, करणजीत कुमार, प्रदीप कुमार, विकी कुमार, दीपक कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, चंदन यूट्यूबर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू होने वाले वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के बाहर होने से भारतीय टीम की परफॉर्मेंस पर कितना असर पड़ेगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।